करें शहर कायद की सूरत हाल से। हम आपको मुसलसल बता रहे हैं रेंजर्स की उर्दू बाजार कराची में कार्रवाई के हवाले से, जहां अब तक सूरत हाल बरकरार है। रेंजर्स ने इमारत को महासने में ले लिया है। इस वाकये में रेंज एक खातून समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, एक और शख्स रेंजर्स एहलकारों ने गिरफ्तार किया है। एक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है। 4 घंटे से ये मुकाबला जारी है, इसमें रेंजर्स एहलकार जख्मी भी हुए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे ताहा उबैदी से। ताहा बताइएगा इस वक्त की सूरतेहाल क्या है, आप क्या देख रहे हैं? जी, उर्दू बाजार का इलाका है जहाँ पर दहशतगर्दों की निशानदेही पर एक मकान पर रेंजर्स की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई थी। जैसे ही रेंजर्स ने मकान के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है कि दहशतगर्दों ने रेंजर्स पर दस्ती बम हमले किए हैं और अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके बाद रेंजर्स की मजीद नफरी को यहाँ पर तलब किया गया था। तकरीबन 8:35 पर रेंजर्स की जानिब से टारगेटेड ऑपरेशन किया गया था इस मकान में, लेकिन जो दहशतगर्दों की जानिब से मुजाहमत की गई थी उसके बाद रेंजर्स की मजीद नफरी और कमांडोज को तलब किया गया था। रेंजर्स की जानिब से इलाके का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया गया था। जिस घर से रेंजर्स पर फायरिंग की गई थी और दस्ती बमों से हमला किया गया था उसका मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया था, जिसके बाद रेंजर्स की जानिब से अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई थी। मजीद जो है 5 दस्ती बम हमले किए गए और अंधाधुंध फायरिंग की गई। अभी भी रेंजर्स के जवान यहां पर मौजूद हैं। मकान का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया है। जो अगली रास्ता है वहां पर भी रेंजर्स के जवान मौजूद हैं। जैमर्स वाली गाड़ियां, जो जदीद आलात की गाड़ियां हैं, वो भी रेंजर्स की जानिब से यहां पर पहुंचा दी गई हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहां पर मौजूद है। यह बताया गया है कि एक दहशतगर्द को यहां से गिरफ्तार किया गया है और एक दहशतगर्द ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया है। रेंजर्स की जानिब से कार्रवाई की गई। क्या बताते हैं जो अहलकार जख्मी हुए थे, उनकी हालत, उनकी खैरियत के बारे में क्या इत्तला आ रही है? जी तारिक, जब रेंजर्स ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई थी तो दस्ती बम हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 4 रेंजर्स के जवानों समेत 6 अफराद जख्मी हुए थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जो जवान हैं उनकी हालत जो है कुछ बेहतर है, उनको जो है मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर वक्फे से फायरिंग और दस्ती बम हमलों का सिलसिला जारी है। अभी भी रेंजर्स एक मोहतात रहते हुए जो है इस इलाके में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ खासतौर पर जिस इमारत का मुहासरा किया गया है जहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं उसके इतराफ में फैमिलीज रहती हैं। 3 से 4 मंजिला ये इमारत है, जिसमें नीचे जो है फैमिलीज मौजूद हैं, जिसके पेश नजर रेंजर्स की जानिब से ये हिकमत अमली अपनाई गई है कि जो दहशतगर्द है उससे मुकाबला किया जाए और उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। अब ये बताया गया है कि एक दहशतगर्द ने खुद को बारूदी मवाद से उड़ाया है और अंदर जो है अब सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंच चुका है और रेंजर्स के जवान भी अंदर मौजूद हैं। जी, इस बात का खदशा है कि यहाँ मौजूद दहशतगर्दों ने इन फैमिलीज में से किसी को यरगमाल बना लिया हो। तारीख, अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं की गई है। जब टारगेटेड ऑपरेशन किया गया था रेंजर्स की जानिब से, जैसे ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई थी तो दस्ती बमों से हमला किया गया था और अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। उसके बाद जो पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है, वहां बताया गया है कि फैमिलीज मौजूद हैं, जिसके पेश नजर रेंजर्स मोहतात अंदाजे से जो है अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। मोहतात रहते हुए वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी जो है रेंजर्स ने मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की है। जैसे फायरिंग में तेजी थी, फायरिंग का तबादला हो रहा था दो तरफा, वो अब रुक चुका है। बमों का जो हमला हो रहा था वो अब रुक चुका है। अब ये बताया गया है कि अंदर जो एक दहशतगर्द मौजूद था उसने खुद को बारूदी मवाद से उड़ाया है और एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी रेंजर्स की जानिब से मुकम्मल तौर पर इलाके की सर्चिंग का अमल जारी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी अब यहाँ पर पहुंच चुका है। जिस मकान में दहशतगर्द मौजूद थे वहां पर सर्चिंग की जा रही है। अभी जो रेंजर्स हुक्काम यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं वो अभी भी मकान में मौजूद हैं और सर्चिंग का सिलसिला जारी है। तारीख, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। इसमें तेजी भी आई थी अभी बीच में 11:30 बजे इसमें तेजी आई थी। दस्ती बमों से हमले किए गए थे और उसके बाद ये बताया गया था कि एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया, जिसके तकरीबन 10 से 15 मिनट भी बाद ये बताया गया कि एक दहशतगर्द जो कि अंदर मौजूद था उसने खुद को बारूदी मवाद से उड़ाया है। अभी जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड है और दीगर जो रेंजर्स के अफसरान हैं वो अंदर मकान का मुकम्मल तौर पर मुआयना कर रहे हैं, उसके बाद मीडिया को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। अब तक तो जो मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे थे उनको कैमरे की लाइट जलाने की भी इजाजत नहीं दी गई थी, लाइट मुकम्मल तौर पर बंद करा दी गई थी। अंधेरे में डूबा हुआ था ये इलाका और जो इलाका मकीन है वो अपने घरों में महसूर थे, लेकिन अब जो है परमिशन दी गई है, लाइट जलाने की परमिशन दी गई है, जो इलाका मकीन है वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। लेकिन रेंजर्स ने अभी तक किसी किस्म की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता इसके के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। अभी रेंजर्स के अफसरान अंदर मौजूद हैं, वो मौके का मुकम्मल तौर पर जायजा ले रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद वो मीडिया को तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी निगाह की सूरत हाल पर फिलहाल इन अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।